नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरीद अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। जनसेवा के अहर्निश अनुष्ठान से हुई सीएम योगी के नए साल की शुरुआत। कड़ाके की ठंड में भी आयोजित हुआ जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी 300 लोगों की फरियाद। सीएम योगी ने कहा, पैसे के अभाव में बाधित नहीं होगी बिटिया की उच्च शिक्षा। परसौनी गांव में शनिवार की रात डांस पार्टी में हुए मारपीट में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते हुए युवक की हुई मृत्यु। मामला कैंपियागंज थाना क्षेत्र का। एसपी नॉर्थ ने कहा, पिता की तहरीर पर मुकदमा किया गया है पंजीकृत। दो अभियुक्तों की हो चुकी गिरफ्तारी। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दे रही हैं दबिश। जल्द होगी गिरफ्तारी। नौ वर्ष के पहले दिन श्रद्धालुओं नागरिकों ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर किया गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चना। सभी के जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना। मेले का उठाया लुत्फ। कहा, बहुत ही सुंदर रहता है यहां का नजारा। जनपद के दक्षिणी क्षेत्र के खजनी, गघा, सिकरीगंज, बड़हरगंज सहित उरवा बाजार के थानों में 20 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर के तहत की गई कार्रवाई। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। दो हजार तेईस की शुरुआत के पहले दिन नौका बिहार पर हजारों की संख्या में उमड़ी सैलानियों की भीड़। रविवार को पूरा शहर पर्यटकों से रहा गुलजार। बोटिंग का लिया आनंद। कहा, नौकायान के जेटी पर किया फुल एंजॉय। चोरी व लूट की घटना कारित करने वाले कोढ़ा गैंग बिहार के तीन छात्र अभियुक्तों करण यादव और संजय यादव, वीरेंद्र यादव और शिवा यादव के ऊपर कैंट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने दी जानकारी। नौ वर्ष के अवसर पर शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में पर्यटकों की उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने प्राणी उद्यान में जानवरों को देखकर खूब उठाया लुत्फ। बाड़े के पास से ही जानवरों के साथ ली सेल्फी। दो शातिर चोरों अविनाश चौहान और अनिल चौहान के ऊपर चिलुआ ताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने दी जानकारी। जनपद में नौ वर्ष के अवसर पर सभी भीड़ वाले क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था का रहा पुख्ता इंतजाम। नागरिकों के आवागमन को सुदृढ़ बनाने के लिए ट्रैफिक को किया गया था डायवर्ट। एसपी सिटी ने नौ वर्ष की सभी नागरिकों को दी शुभकामना। और नए साल के अवसर पर रेलवे म्यूजियम में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। नागरिकों और बच्चों ने रेलवे म्यूजियम के टॉय ट्रेन का उठाया लुत्फ। बच्चों ने कहा, बहुत ही अच्छा लगा रेलवे म्यूजियम में घूमकर। अब समाचार विस्तार से। ईस्वी सन 2023 की पहली सुबह जब अधिकांश लोग अलग अलग तरह से सेलिब्रेशन में जुटे रहे होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह जनसेवा के अहर्निश व्रत के अनुष्ठान में रत रहे। उनके लिए साल के पहले दिन की शुरुआत जनता की समस्याओं को सुनने और उसके निस्तारण की प्रक्रिया से हुई। कड़ाके की ठंड में जनता दर्शन में पहुंचे फरियादियों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं के त्वरित व संतुष्टिपरक समाधान का भरोसा दिया। आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और ना ही किसी की दवाई पढ़ाई में धन की बाधा आने दी जाएगी। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान नए साल के पहले दिन रविवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में करीब 300 लोगों की फरियाद सुनी। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ फरियादियों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस बार जनता दर्शन का आयोजन मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में किया गया। यहां कुर्सियों पर बैठाए गए फरियादियों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक एक फरियादी से मिलकर उनकी समस्याओं को इत्मीनान से सुना। फरियादियों में महिलाओं की संख्या अधिक रही। इस दौरान उस शिक्षा के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आई एक बिटिया को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि पैसे के अभाव में उसकी मनचाही पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह बिटिया कॉलेज की फीस की एस्टिमेट बनाकर डीएम के माध्यम से उन तक उपलब्ध करवाए। एस्टिमेट मिलते ही आवश्यक धनराशि की तत्काल व्यवस्था कर दी जाएगी।
थी। उन्होंने यह भी कहा कि पढ़ाई के लिए यह मदद लगातार मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई फरियादी इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराकर शासन में उपलब्ध कराया जाए। राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि कोई किसी की भूमि पर जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसे कानून सम्मत सबक सिखाया जाए। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी मदद की जाए। जनता दर्शन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या, गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन व अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेकने के साथ शुरू हुई। सीएम योगी हर बार की तरह मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गौशाला भी गए और गौ सेवा करते हुए गोवंश को अपने हाथों से गुड़ चना खिलाकर उन्हें दुलार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान कर गए। इसमें आपने इसमें लगाया है, कितना फीस है? 10,000 को बना, कितना उसका कुल फीस का है उसको बनवा कर के बाद भिजवा देंगे पीएम के माध्यम से, तो करेंगे करेंगे कर सही कर रहे हैं। कहाँ कहाँ का क्या हो गया है? गोरखपुर का मामला। कैंपचरगंज थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में शनिवार की रात डांस पार्टी में हुए मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि कैंपचरगंज थाना क्षेत्र के मछली गांव के निकट परसौनी गांव के निवासी कृष्णा मुरारी ने थाने पर आकर सूचना दिया कि उनके पुत्र सोनू डीजे बजने के स्थान पर उनका पैर किसी से टकरा गया, जिससे दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिससे दूसरे पक्ष ने चेले से मारा पीटा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको रास्ते में ही हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। इसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है। जल्द ही बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज दिनांक 1/1/2023 को श्री कृष्ण मुरारी निवासी परसौनी थाना कंपेरगंज ने थाने पर आकर सूचना दिया कि उनके पुत्र सोनू, जो कि कल रात्रि में दिनजी देवी जिनके घर डीजे बज रहा था वहां पर गए हुए थे, जहां पे किसी बात को लेकर विवाद हो जाने पर रिंजी देवी व उसके परिजनों ने सोनू पर मारपीट करके चोटें पहुंचाई। सोनू को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां आज प्रातः उसका निधन हो गया। इस सूचना पर थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया, शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 9 वर्ष के पहले दिन नागरिकों ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। नागरिकों ने गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना किया कि 9 वर्ष सभी के जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली लाए। उन्होंने गुरु गोरखनाथ से मन्नत मांगी कि देश में आने वाले कोरोना महामारी का खतरा टल जाए। श्रद्धालुओं ने मंदिर में गुरु गोरखनाथ को प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना की और मेले में जाकर लुत्फ उठाया। मेले में कई तरह के अनेकों झूले लगे हुए थे, जहाँ नागरिकों ने एक के बाद एक खुले में बैठकर आनंद लिया। ब्रेक डांस, मैजिक डांस, बड़ा झूला, मौत का कुआं, ड्रैगन झूला, रेंजर झूले का आनंद लिया और वहीं फोटो स्टूडियो में जाकर फोटो भी खिंचवाया। गोरखनाथ मेले के प्रसिद्ध प्रसाद खाजा की खरीदारी किया। लोग अपने पूरे परिवार के साथ मेला घूमने आए थे, जहां हजारों की संख्या में लोग गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। वहीं पुलिस की भारी चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली, जहां भारी पुलिस बल मंदिर गेट से लगाए और मेले में तैनात थे, जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। इस संबंध में नागरिकों ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में हर साल हम लोग आते हैं और बहुत ही सुंदर यहां का नज़ारा रहता है। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ रहती है और यहां मेले का भी खूब आनंद लिया जाता है। तमाम प्रकार के झूले और सुंदर सुंदर आकर्षक चीज़ें यहां पर देखने को मिलती हैं। अब तो यहां की व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो गई है। हमने पूरे परिवार के साथ बोटिंग किया, जो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कहा कि योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से गोरखनाथ मंदिर का कायाकल्प हो गया है।
और काफ़ी कुछ बदल गया है, चीज़ें काफ़ी सुचारू हो गई हैं और काफ़ी अच्छी हो गई हैं, यहाँ आने पर बहुत अच्छा लगता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मेले में आए श्रद्धालुओं नागरिकों ने कहा। देखो इससे लाइन बढ़ते जाएगा करा रहे हैं, ठीक है। वो चाहिदा हो चाहिए 112 डायल 112 चाहिए आधी चाहे तूफान हो किचन है।
रवि कुमार गुप्ता, बहुत अच्छा लगा और मैं हर साल आता हूँ नए वर्ष पे दर्शन करने के लिए गोराखनाथ मंदिर में, और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कितनी की संख्या में श्रद्धालु? हजारों की संख्या में, कई हजारों मतलब की संख्या में है श्रद्धालु जो दर्शन करने आ रहे हैं बाबा का गोराखनाथ मंदिर में। मेरा नाम विनय कुमार श्रीवास्तव है। सबसे पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और नए साल में चूंकि हम सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं, बच्चों की जिद थी कि थोड़ा घूमने चलिए, तो मैं गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर आया, और जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से इसका मंदिर का कायाकल्प हो गया है, और ये जो बोटिंग वगैरह की व्यवस्था है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और झूला वगैरह यहाँ परमानेंट लगा रहता है, इससे बच्चों को पूरा एंजॉय मिलता है, और नए वर्ष में ये सब घूमने की अच्छी जगह है। यहाँ का रामगढ़ ताल का जो वहाँ नौका विहार है वहाँ का भी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, हमारा प्लान वहाँ जाने का भी है। मेले में आए, मेला कैसा लगा? मेला बहुत अच्छा है, अभी तो हम तुरंत पहुँचे हैं और बोटिंग किए हैं, बोटिंग के बाद हम अभी झूले पे चले आए हैं बच्चों के लेके, बच्चे झूले बैठे हुए हैं और हम अभी मेला पूरा घूम नहीं पाए हैं, मेला पूरा घूम करके तब उसका आनंद लेते हैं। हर वर्ष की तरह कुछ नया लगा आपको? हर वर्ष कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से मंदिर में व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। हम आज के 10 साल पहले भी आते थे लेकिन तब व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, आज योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के कारण यहाँ गोरखनाथ मंदिर जो है उसका जीर्णोद्धार हुआ है और उसका विस्तारीकरण हुआ है, सारी व्यवस्थाएँ हो गई हैं, गाड़ी की पार्किंग वगैरह की भी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। मेरा नाम राजीव सिंह है, आज नया साल है और हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस जो है सर्विस करते हैं, और बेसिकली मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ, और जो मेरी टीम है बनारस और लखनऊ और प्रतापगढ़ रहने वाले हैं, तो आज हम लोग गोरखनाथ मंदिर घूमने आए जो कि बहुत अच्छा दिव्य स्थान है और बहुत ही प्राचीन इतिहास है, यहाँ पर बहुत कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिला, और भीड़ काफ़ी है, भीड़ को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट हुआ, हम लोग समय से अपना दर्शन किए और मेला भी हम लोग देखें जो काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है, ढंग से चल रहा है, तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छा, जिसका कोई हम मतलब ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़ा परेशान हो रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा जितना कहें उतना कम है मंदिर के लिए, बहुत बड़ा ऐतिहासिक चीज़। नव वर्ष के उपलक्ष्य में जनता को यही कहेंगे सब लोग भाईचारे की भावना से रहें और सभी लोग अपने काम में व्यस्त रहें, अपने परिवार में खुशी से बिताएं और साल अच्छे से बीते, और अच्छे से जो जिस नौकरी और जिस व्यापार में जिस जो हम धंधा कर रहे हैं उसमें हमको बढ़ोतरी मिले। राजवीर सिंह, ये चूंकि कायदे से आपने नव वर्ष की बात की तो ये नव वर्ष तो हमारा है नहीं, ये क्रिश्चियन समुदाय से संबद्ध ईसवी सन से कहते हैं, लेकिन चूंकि संसार की रवायत है और कैलेंडर नव वर्ष के नाते हम लोग इसको मनाते हैं, और हमारा नया साल तो मार्च के बाद शुरू होगा, मार्च से शुरू होगा या मार्च के बाद शुरू होगा, लेकिन ठीक है जो सिस्टम चला आ रहा है उस सिस्टम को फॉलो करते हुए हम लोग आते हैं, गुरु गोरख सिंह जी का आशीर्वचन लेते हैं, संयोग से कल हमारे गुरुदेव भी यहाँ मौजूद हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका आशीर्वचन सुबह भी मिला है, अभी देखते हैं प्रयास करते हैं, अगर अभी मिल जाएगा तो हमारे लिए इससे बड़ी अनुभूति साल के पहले दिन और कोई नहीं। जनपद में साउथ क्षेत्र के 5 थानों में 20 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसके संबंध में SP साउथ ने बताया कि साउथ क्षेत्र के 5 थाने खजनी, गगहा, सिकरीगंज, बहलगंज सहित उरवा बाजार के थानों में कुल 20 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिनकी पहचान सुरेश यादव पुत्र रामकरण यादव निवासी डड़वा मनोहर थाना बासगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा राजेश गुप्ता पुत्र राम अवतार गुप्ता निवासी जहूराबाद थाना बासगांव गोरखपुर, तीसरा अनूप कुमार श्रीवास्तव निवासी कटवर थाना बासगांव जनपद गोरखपुर, चौथा अनुराग यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी जलपहिया मुहराई थाना गगहा जनपद गोरखपुर, पांचवा मंगेश गोस्वामी पुत्र प्रभात गोस्वामी निवासी बेलदार थाना गगहा जनपद गोरखपुर, छठवा ब्रजेश गोस्वामी पुत्र वीरेंद्र गोस्वामी निवासी बेलदार थाना गगहा जनपद गोरखपुर, सातवां अमन गिरी पुत्र राजेश गिरी निवासी कहला थाना गगहा जनपद गोरखपुर, आठवां सूरज यादव पुत्र राजेश यादव निवासी शिवपुर हाटा थाना गगहा जनपद गोरखपुर, नवा प्रमोद गिरी पुत्र जय नारायण गिरी निवासी भदार खास महादेव बाजार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, दसवां नन्हे लाल यादव पुत्र रामफेर यादव निवासी ग्राम रजवल
यादव टोला थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, 11वां जितेंद्र शुक्ला पुत्र स्वर्गीय चंद्रशेखर शुक्ला निवासी दक्षिणी बहरामपुर धैर्य टीवीएस एजेंसी के पीछे नौसड़ पुलिस चौकी थाना गीडा जनपद गोरखपुर, मूल पता ग्राम करौंदी थाना बढ़हलगंज जनपद गोरखपुर, 12वां कैलाश यादव पुत्र राम मिलन यादव निवासी दुधारा चौराहा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, 13वां अंकित निषाद पुत्र हनुमान निषाद निवासी शुंभुरपुर थाना अहिरौली जनपद आजमगढ़, 14वां राम विनय निषाद पुत्र राम बहोरा निषाद उर्फ भोरिक निषाद निवासी हेतुगंज अलुआ थाना अहिरौली जनपद आजमगढ़, 15वां अनीस उर्फ उनीस पुत्र स्वर्गीय अवधराज निषाद निवासी ग्यासपुर थाना कंधारपुर जनपद आजमगढ़, 16वां दिलीप निषाद पुत्र झीनक निषाद निवासी ग्यासपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़, 17वां शिवकुमारी पत्नी शिवाकांत यादव निवासी रसूलपुर माफी थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, 18वां मुकेश यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी रसूलपुर माफी थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, 19वां विकास यादव पुत्र जगत नारायण यादव निवासी शिवपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर, 20वां अभिषेक यादव पुत्र अशोक यादव निवासी गोपालपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि इन सभी अभियुक्तों के ऊपर 5 थानों में चोरी लूट डकैती ठगी के मुकदमे दर्ज हैं, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, नए वर्ष में अपराध और अपराधियों पर और पुख्ता तरीके से नकेल कसने के संकल्प के साथ गोरखपुर ग्रामीण दक्षिणी क्षेत्र के 5 थानों ने आज संगठित गिरोह के रूप में अपराध करने वाले 5 गिरोहों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है। थाना खजनी, गगहा, सिकरीगंज, बड़हलगंज और उरवा बाजार ने अपने यहाँ एक एक गैंगस्टर एक्ट के अभियोग पंजीकृत किए हैं। थाना खजनी ने मोटरसाइकिल की चोरी करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों के खिलाफ, थाना गगहा ने लूट और डकैती करने वाले एक गिरोह के 5 सदस्यों के खिलाफ, थाना सिकरीगंज ने लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों के खिलाफ और बड़हलगंज पुलिस ने जहर खुरानी करके लोगों को लूट लेने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों के खिलाफ तथा उरवा बाजार ने लूट करने वाले एक गैंग के 4 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में अपने अपने थानों पर अभियोग पंजीकृत किया है। इस तरह से साल के पहले दिन गैंगस्टर एक्ट के 5 अभियोग पंजीकृत करके 20 संगठित गिरोह के अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने की कार्यवाही शुरू हुई है और इनके खिलाफ अपराध से अर्जित संपत्ति 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके कार्यवाही की जाएगी। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में नौका विहार गोरखपुर पहुंचे। नौका विहार पहुंचे ज्यादातर पर्यटक दिखे गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, संतकबीर नगर तथा अन्य जिलों से भी नए साल का जश्न मनाने के लिए नौका विहार पहुंचे। आपको बता दें कि सैलानियों की सुविधा देने के लिए जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर रखी थीं। इसके अलावा गोरखपुर की स्मार्ट पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैदान में डटी हुई है। नौकायान पर नए साल के पहले दिन सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर नौका विहार और वी पार्क का आनंद लिए। सैलानियों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी विशेष व्यवस्थाएं की। नए साल का जश्न मनाने के लिए सुबह से ही नौकायान पर सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। 2023 की शुरुआत के पहले दिन सैलानियों की अधिक संख्या होने के चलते जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं ट्रैफिक पुलिस सुरक्षा और अन्य व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए ताकि किसी भी प्रकार का सैलानियों को दिक्कत न हो। वहीं सैलानियों ने नौकायान के जेटी पर फुल एंजॉय किया तथा बोटिंग का आनंद लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अलग अलग जिलों से नौकायान घूमने आए नागरिकों ने कहा, पैर से मोबाइल सुरक्षित रखे। फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी में चलिए।
साल की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे घूमने पे, बहुत ज़्यादा भीड़ भी हुआ है और हैप्पी न्यू ईयर सब लोग इंजॉय कर रहे हैं सर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। जी कुशीनगर से होकर हम लोग गोरखपुर आए हुए हैं, और कुछ और भी काम था हॉस्पिटल में जाना था, तो हम सोचे चलो यहाँ भी इंजॉय कर लेते हैं। तो ऐसे बार बार मौका कहाँ मिलता है, बदलाव में। हाँ, बहुत बदलाव है, साफ सफाई हर एक चीज में बहुत ज्यादा बदलाव है। मान लीजिए प्रशासन का भी जो व्यवस्था है बढ़िया है, यहाँ पे सब लोग बढ़िया तरह से एंजॉय कर रहे हैं। हम सीमा यादव है, मैं देवरिया जिला से आई हूँ और गोरखपुर में घूमने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। नौका बिहार में आए हैं और चिड़ियाघर गए थे घूमने के लिए। क्या पहले भी, पहली बार आए कि पहले भी आप? नहीं, एक बार और आ चुके हैं। कैसा था पहले और उसमें क्या अंतर है? आज तो ज्यादा ही कुछ मतलब भीड़ चल रही है। इसके बारे में पर्सनल देवरिया से पाई है? देवरिया जिला है मेरा, खुदमंदू से आए। सतीश यादव नाम है, कंसंट करने लगा खड़ी आवाज। पहली बार आया कि नहीं? और मैं आते रहता हूँ। आज नया साल है, थोड़ा सा नया सोचे घूमने के लिए, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था ठीक ठाक है, प्रशासन भी यहाँ पे चुस्त मुस्त दुरुस्त है एकदम से, अभी कोई दिक्कत नहीं। घूमने टहलने में बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, काफ़ी जनता आई है यहाँ पे। पहले भी आते थे आप? हाँ, पहले भी आ चुका हूँ, आज भी आए। जी सर, नहीं सर,
थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और सुविधा व्यवस्था सब कुछ देखते हो, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, और पटना को घूमने में कोई परेशानी नहीं है। प्रियमता द्विवेदी नाम है, यही गोरखपुर की हूँ मैं। आज नौका विहार घूमने आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है आज, क्या खास है आज? भीड़ तो बहुत है, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रही है। भीड़ को तो भाई वो करना है, एंजॉय हो रही है पूरी। आज के दिन आई है कि बाकी और दिन नहीं? काफी टाइम आ चुकी हूँ मैं, बट वोटिंग फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, थोड़ा एक्साइटमेंट है मुझे। ज्योति, ज्योति है मेरा नाम। मैं कई बार आ चुकी हूँ बट अच्छा लग रहा है, बट रश भी बहुत ज्यादा है। बाकी दिनों में आजकल क्या अंतर? बस न्यू ईयर है, मनाने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। कैंट थाने की पुलिस ने चोरी लूट की घटना कारित करने वाले कोढ़ा गैंग बिहार के तीन अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि तीन अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिनकी पहचान गैंग लीडर अभियुक्त करण यादव उर्फ संजय यादव, पुत्र लालता यादव उर्फ ललवा यादव, निवासी नवा टोला जुराबगंज थाना कोढ़ा जिला कटिहार बिहार, दूसरा वीरेंद्र यादव पुत्र विनोद यादव निवासी नवा टोला जुराबगंज थाना कोढ़ा जिला कटिहार बिहार, तीसरा शिवा यादव पुत्र प्रकाश यादव निवासी नवा टोला जुराबगंज थाना कोढ़ा जिला कटिहार बिहार के रूप में हुई है। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक व बौद्धिक बुनियादी या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर चोरी एवं लूट जैसे अपराध कारित करते रहते हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के क्रम में थाना कैंट पर चोरी व लूट की घटना करने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस गिरोह का सरगना करण यादव है, इसके दो अन्य साथी हैं, जिनके विरुद्ध प्रदेश के अन्य अन्य जिलों में कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, शीघ्र ही इनकी संपत्ति तस्दीक कर 14 की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। इसके साथ ही लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। जनसेवा के अहर्निश अनुष्ठान से हुई सीएम योगी के नए साल की शुरुआत, कड़ाके की ठंड में भी आयोजित हुआ जनता दर्शन, सीएम योगी ने सुनी 300 लोगों की फरियाद, सीएम योगी ने कहा पैसे के अभाव में बाधित नहीं होगी बिटिया की उच्च शिक्षा। परसौनी गांव में शनिवार की रात डांस पार्टी में हुए मारपीट में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते हुए युवक की हुई मृत्यु। मामला कैंपियागंज थाना क्षेत्र का, एसपी नार्थ ने कहा पिता की तहरीर पर मुकदमा किया गया है पंजीकृत, दो अभियुक्तों की हो चुकी गिरफ्तारी, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दे रही है दबिश, जल्द होगी गिरफ्तारी। नौ वर्ष के पहले दिन श्रद्धालुओं नागरिकों ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर किया गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चना, सभी के जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना, मेले का उठाया लुत्फ, कहा बहुत ही सुंदर रहता है यहां का नजारा। जनपद के दक्षिणी क्षेत्र के खजनी गघा सिकरीगंज बड़हलगंज सहित उरवा बाजार के थानों में 20 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर के तहत की गई कार्रवाई, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। दो हजार तेईस की शुरुआत के पहले दिन नौका बिहार पर हजारों की संख्या में उमड़ी सैलानियों की भीड़, रविवार को पूरा शहर पर्यटकों से रहा गुलजार, बोटिंग का लिया आनंद, कहा नौकायान के जेटी पर किया फुल एंजॉय। चोरी व लूट की घटना कारित करने वाले कोढ़ा गैंग बिहार के तीन छात्र अभियुक्तों करण यादव और संजय यादव, वीरेंद्र यादव और शिवा यादव के ऊपर कैंट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने दी जानकारी।
नौ वर्ष के अवसर पर शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में पर्यटकों की उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने प्राणी उद्यान में जानवरों को देखकर खूब उठाया लुत्फ। बाड़े के पास से ही जानवरों के साथ ली सेल्फी। दो शातिर चोरों अविनाश चौहान और अनिल चौहान के ऊपर चिलुआ ताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक के तहत की कार्रवाई। सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिन ने दी जानकारी। जनपद में नौ वर्ष के अवसर पर सभी भीड़ वाले क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था का रहा पुख्ता इंतजाम। नागरिकों के आवागमन को सुदृढ़ बनाने के लिए ट्रैफिक को किया गया था डाइवर्ट। एसपी सिटी ने नौ वर्ष की सभी नागरिकों को दी शुभकामना। और नए साल के अवसर पर रेलवे म्यूजियम में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। नागरिकों और बच्चों ने रेलवे म्यूजियम के टॉय ट्रेन का उठाया लुत्फ। बच्चों ने कहा, बहुत ही अच्छा लगा रेलवे म्यूजियम में घूमकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नौ वर्ष के अवसर पर शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में घूमने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से ही, जब से प्राणी उद्यान केंद्र का टिकट काउंटर खुला था, तब से हजारों की संख्या में जनपद सहित प्रदेश के अन्य जिलों से आए पर्यटकों ने टिकट की लाइन लगकर टिकट खरीदा। उसके बाद पक्षी, हिरन, बंदर, भालू, लोमड़, शेर, चीता, भालू, बाघ, मगरमच्छ, सर्प घर, मछली घर में पहुंचकर उनका बारीकी से दीदार किया। नागरिकों ने बाड़े के नज़दीक पहुंचकर उनके साथ सेल्फी ली। इसके अलावा प्राणी उद्यान में जानवरों के बने मूर्तियों पर बैठकर फोटो खिंचवाया। नागरिकों ने कहा कि इसके पहले हम लोगों को प्राणी उद्यान घूमने के लिए लखनऊ या देश के अन्य राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वो सारे जानवर हम लोगों को गोरखपुर के प्राणी उद्यान में देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कारण ही संभव हो पाया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राणी उद्यान घूमने आए नागरिकों और बच्चों व निदेशक डी राजमोहन ने कहा, इधर ही पापा, इधर देखिए, यहाँ से पीछे से पापा।
टाइगर चला गया कि मैं उसके पास जाऊंगा बाबू चल सब विजेंद्र प्रताप सिंह हम आए हैं पीपराइज के पास से। क्या करें? क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? वही सारे जानवर जो है, शेर वगैरह, भालू, शेर, बंदर, ये पक्षी वगैरह बहुत सारे थे, वही देखा गया।
कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा, एकदम एक नंबर। कहना चाहेंगे यहाँ? अब कहना क्या है कि मतलब हमारे पूजनीय योगी जी जो है बहुत बढ़िया काम किए हैं कि कम से कम बच्चों के मनोरंजन के लिए जो है एक बढ़िया साधन है। सलोनी गुप्ता, हाय। यहाँ पर हम लोग दरियाई घोड़ा, शेर और हैना और सांप, तितली, बहुत सारे चीज देखे हैं। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत 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 मजा आ रहा है यहाँ पे। कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? हाँ, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा है, और जो यहाँ पे जो एनिमल्स रखे गए हैं उनके लिए जो भी कुछ बनाया गया वो बहुत ही अच्छा है। हमने बहुत कुछ देखा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से भी बहुत कुछ देखे, चिड़िया उड़िया, और वहाँ पे हमने हर एक प्रकार के जीव जंतु, जैसे कि हमने क्रोकोडाइल हो गया, लायन हो गया, लायन के भी कई, जैसे बंगाल टाइगर हो गए, और उधर जाके हमने मतलब बहुत अनेक अनेक प्रकार की चिड़िया को देखा। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पर आके। कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? हाँ, यहाँ पर मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। मेरा नाम है आदित्य राज मदेसिया। अच्छा लगा हमको यहाँ पर घूमकर। क्या क्या देखा आपने? हमने यहाँ पर शेर देखा, सियार देखा, और भी अन्य जीव हैं, जो बहुत अच्छा लगा घूमकर। और न्यू ईयर पर हम लोग आए यहाँ पर, घूमे, मस्ती किए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और यहाँ का वातावरण कैसा है? यहाँ का वातावरण तो बहुत परफेक्ट है, और अच्छा भी लग रहा है। यहाँ इतना जनता आ रही है, और वो भी देखकर हमको बहुत अच्छा लगा। मंटू गुप्ता सर, यहाँ पे अच्छे अच्छे जानवर जो कि हम लोग सुनते हैं बट देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ फिजिकली देखने को मिला है, बहुत अच्छा लगा। और आज का दिन भी मतलब उस हिसाब से होता कि ताकि अच्छा भी लगता है, फैमिली के साथ आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुल मिला के यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है। पहली बार आए? नहीं, दूसरी, सेकेंड बार है। संगीता यादव, सारा ज़्यादा जानकारी नहीं है। हिप्पोपोटामस देखा, टाइगर देखा, लायन देखा, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा है, पहली बार आए हैं, अच्छा लग रहा है। उर्विका, क्या देखा आप लोगों ने? बहुत सारी चीजें देखी। क्या क्या? कौन कौन से एनिमल देखा? कौन कौन से जानवर को देखा गया? कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा, अच्छा, अनमोल। यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या क्या देखा? नॉर्थ पे यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। मगरमच्छ और शेर, टाइगर, और नहीं देखा। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। पहली बार यहाँ पे आए? हाँ, नहीं, दूसरा बार। कैसा लगा यहाँ का एटमॉस्फेयर? अच्छा लगा। दोबारा आना है? हाँ, घूमने। हाँ, प्रगति मिश्रा, चिड़ियाघर घूमने आई है, क्या क्या देखा आपने? लायन, स्नेक, चिंपैंजी और टाइगर। और कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा लगा। इससे पहले भी आई है कभी? हाँ। कब आई? हम अगले बार आए थे 25 दिसंबर को। कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा। ये नव वर्ष में शायद आसिफुल्ला खान प्राणी उद्यान में हम लोग विशेष व्यवस्थाएं किया गया है, इसमें आज लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच में भीड़ का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमारा स्टाफ और DFO गोरखपुर का स्टाफ और नागरिक सुरक्षा वालों पुलिस के सहयोग से पूरा व्यवस्था बना रखा है, और पार्किंग का भी अस्थाई पार्किंग बना रखा है, और इन लोगों को देखने में भी पूरा व्यवस्था कर रखा है, कोई कहीं रुकेगा नहीं। हमारा 2 कैंटीन पूरा चल रहा है, अभी तक का व्यवस्था बढ़िया बना हुआ है, लगभग 10,000 लोग क्रॉस कर चुका है। सुरक्षा इसीलिए इसमें 2-3 टीम लगा, 5 टीम लगा हुआ है, इसमें हमारा टीम है, DFO का गोरखपुर का टीम है, नागरिक सुरक्षा वाला है, पुलिस है, और कुछ SSB जवान का भी हम लोग बुला रखा है। इससे 5 टीम लगा हुआ है, और सब चेकिंग और सब करा करके
पूरा शांति व्यवस्था बनाता हुए आज बढ़िया उसको करा देंगे। चिल्वाताल थाने की पुलिस ने दो साथी चोरों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिन ने बताया कि चिल्वाताल थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान अविनाश चौहान पुत्र सुग्रीव चौहान निवासी हरसेवकपुर नंबर 1 थाना चिल्वाताल जनपद गोरखपुर, दूसरा अनिल चौहान पुत्र रुदल चौहान निवासी हरसेवकपुर नंबर 1 थाना चिल्वाताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ कैंपियरगंज ने बताया कि इन अभियुक्तों के अपराध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए उनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति की जानकारी की जा रही है, जिससे अभियुक्तों की संपत्ति जब्त कर उन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संगठित अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत आज चिल्वाताल पुलिस द्वारा दो शातिर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें से गैंग लीडर अविनाश चौहान है और उसका साथी अनिल चौहान है। नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम रहा, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि नव वर्ष पर गोरखपुर पुलिस द्वारा एक सुरक्षा व्यवस्था की गई। जनपद के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र बुढ़िया माता मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, नौका विहार, चिड़ियाघर, रेल म्यूजियम, वी पार्क, हनुमान मंदिर पर ट्रैफिक पुलिस व सिविल पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। नौकायान पर आने जाने वाले वाहनों के रूट को डायवर्ट किया गया है, जिससे कि किसी यात्री को किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। नागरिकों के वाहनों के पार्किंग के लिए जगह जगह पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिससे कहीं पर भी भीड़ न लगने पाए और नागरिकों को आने जाने में किसी तरह की असुविधा ना हो। नववर्ष की सभी नागरिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर TSI रामदेश यादव, नौकायान चौकी प्रभारी विजय गौड़ सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, उससे पहले रोकना मत, बता रहा हूँ मैं, अगर ओए ओए चलो वाले यहाँ खड़े हो जाएंगे तो आम आदमी थोड़े आएगा यहाँ पे। जागरूकता तो ठीक है, आप सब जगह खौफ है और खौफ जनरेट करिए भीड़ में जाकर। नई गाड़ियाँ मिल रही है ना आपको, वो पहले यहाँ आ जाए। सभी को एक समारे की तरफ से नए वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं।
लीजिए बाबू आपको चॉकलेट लीजिए बाबू 112 की तरफ से आपके लिए चॉकलेट और हैप्पी न्यू ईयर। आप भी आइए सबसे बढ़िया 112 डायल 112 मिलाए 112 डायल 112 चाहे आधा डायल 112 मिलाए वाले लगाए 112 डायल 112 मिलाए 112 डायल अंदर आधी किलोमीटर की दूरी में कोई सवारी चलेगी कोई चलेगी जल्दी करिए तुरंत रिक्शा किसी पैदल की कोई व्यवस्था नहीं एक भी अगर 200 खराब हुई तो मैं बता रहा हूँ अभी गेट के अंदर कोई गाड़ी नहीं आएगा और जो लोग समझ ओए ऑटो बात आपको क्यों नहीं समझ रहे हो बात को अपना घर सब यहाँ आइए अपना वहाँ रहिए वहाँ 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 रिक्शा जाइए आप चलो यार जहाँ से सभी गोरखपुर वासियों को नवस की शुभकामनाएं। आज गोरखपुर पुलिस द्वारा एक विस्तृत रूप से पुलिस व्यवस्था की गई है, जिसमें बुढ़िया माई मंदिर से खोराबार क्षेत्र में चिड़ियाघर नौकायन गुरु गोरखनाथ मंदिर गीता प्रेस वगैरह तमाम जगहों पर पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नववर्ष सभी के लिए मंगलमय होगा और बिना किसी नेगेटिव इंसिडेंट के नववर्ष मनाया जाएगा। थैंक यू। नए साल के अवसर पर रेलवे म्यूजियम में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि पर्यटक के द्वारा म्यूजियम के फोटो गैलरी में जाकर गैलरी में लगे देश के महापुरुषों के चित्र को देखा और उपस्थित कर्मचारियों से उनके बारे में जानकारी ली। इसके अलावा नागरिकों ने रेलवे म्यूजियम के टॉय ट्रेन पर बैठकर चक्कर लगाकर आनंद लिया। इसके अलावा म्यूजियम के झूलों पर बैठकर उसे बच्चों ने लुत्फ उठाया। रेलवे म्यूजियम में घूमने आए मोहम्मद नावेद ने कहा कि नए साल के मौके पर परिवार के साथ रेलवे म्यूजियम घूमने आए। यहां आकर हम लोगों ने फुल एंजॉय किया, ट्रेन पर बैठे तथा रेलवे म्यूजियम में लगी पुरानी चीज़ों को भी देखा। उन्होंने बताया कि तरह तरह की चीज़ें खाने को मिली और रेलवे म्यूजियम में घूमकर बहुत ही अच्छा लगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए रेलवे म्यूजियम घूमने आए मोहम्मद नावेद एवं निमरा ने कहा बाबू ट्रेन की लाइन लग रहा है कुछ
मेरा नाम मोहम्मद नावेद है। कहाँ से आए? हम ये बख्शीपुर देख रहे हैं, वहीं से आए। आज किस तरह का एंजॉय कर रहे हैं आप यहाँ पे? तो मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, नए नए। किस तरह का क्या है मतलब? आज मेरा बर्थडे था, इस वजह से हम लोग प्लान बनाया कि हम लोग यहाँ घूमेंगे, तो वही हम लोग आए थे यहाँ पे। हम लोग ट्रेन व्रेन सब देखे हैं, ट्रेन पे भी बैठे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन भी है। कहाँ पे घूमे हैं? यहाँ पे वो रेल म्यूजियम है, उसमें भी हम लोगों ने घूमा है, और उसमें भी बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और कहाँ घूमा आपने? और हमने अभी वहाँ पे भी घूमा था, वो क्या कह रहे हैं, नौकाविहार भी हम लोग अभी गए थे, वहाँ से भी आए हैं। अब यही यहाँ पे घूम के हम लोग जाएंगे जाने वाले घर। कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पे बहुत मज़ा आया हमको। मेरा नाम निम्रा है। कहाँ से आई हैं? बख्शीपुर साइड से, गोलघर गोरखपुर। न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करने आए हैं, सिस्टर और एक ब्रदर है साथ में। यहाँ पे रेलवे म्यूजियम इसने जिद किया, तो यहाँ पर आ गए हम लोग। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, अभी और इन्जॉय कर रहा, अभी बाकी भी है। क्या क्या घूमा अभी तक? अभी तक यही कुछ ट्रेन व्रेन थी, और कुछ खाने का फ्रेशमेंट के लिए खाया कुछ बस। और बाकी जगह भी आपने घूमा? हाँ, नौका गए थे हम लोग थोड़ी देर पहले। हाँ, वहाँ पर क्या क्या आपने इन्जॉय किया? वहाँ पर बस देखा, ऐसे ही इन्जॉयमेंट किया और चीज़ें देखी, लोगों को देखे, नए नए लोगों को। बाहर से आए थे लोग, मतलब थोड़े आउट एरिया से भी आए थे घूमने यहाँ पे। बोट पे घूमा आपने? हाँ, बोट पे इस बार नहीं, बट नेक्स्ट बार घूमे थे, इससे प्रीवियस टाइम। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। जनसेवा के अहर्निश अनुष्ठान से हुई सीएम योगी के नए साल की शुरुआत। कड़ाके की ठंड में भी आयोजित हुआ जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी 300 लोगों की फरियाद। सीएम योगी ने कहा, पैसे के अभाव में बाधित नहीं होगी बिटिया की उच्च शिक्षा। परसौनी गांव में शनिवार की रात डांस पार्टी में हुए मारपीट में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते हुए युवक की हुई मृत्यु। मामला कैंपियागंज थाना क्षेत्र का। एसपी नार्थ ने कहा, पिता की तहरीर पर मुकदमा किया गया है पंजीकृत। दो अभियुक्तों की हो चुकी गिरफ्तारी। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दे रही हैं दबिश। जल्द होगी गिरफ्तारी। नव वर्ष के पहले दिन श्रद्धालुओं नागरिकों ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर किया गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चना। सभी के जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना। मेले का उठाया लुत्फ, कहा बहुत ही सुंदर रहता है यहां का नजारा। जनपद के दक्षिणी क्षेत्र के खजनी, गघा, सिकरीगंज, बड़हलगंज सहित उरवा बाजार के थानों में 20 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर के तहत की गई कार्रवाई। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। दो हजार तेईस की शुरुआत के पहले दिन नौका विहार पर हजारों की संख्या में उमड़ी सैलानियों की भीड़। रविवार को पूरा शहर पर्यटकों से रहा गुलजार। बोटिंग का लिया आनंद, कहा नौकायान के जेटी पर किया फुल एंजॉय। चोरी व लूट की घटना कारित करने वाले कोढ़ा गैंग बिहार के तीन छात्र अभियुक्तों करण यादव और संजय यादव, वीरेंद्र यादव और शिवा यादव के ऊपर कैंट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने दी जानकारी। नौ वर्ष के अवसर पर शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में पर्यटकों की उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने प्राणी उद्यान में जानवरों को देखकर खूब उठाया लुत्फ। बाड़े के पास से ही जानवरों के साथ ली सेल्फी। दो शातिर चोरों अविनाश चौहान और अनिल चौहान के ऊपर चिरुआ ताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ कैंपियरगंज श्याम देव बिंद ने दी जानकारी। जनपद में नौ वर्ष के अवसर पर सभी भीड़ वाले क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था का रहा पुख्ता इंतजाम। नागरिकों के आवागमन को सुदृढ़ बनाने के लिए ट्रैफिक को किया गया था डायवर्ट। एसपी सिटी ने नौ वर्ष की सभी नागरिकों को दी शुभकामना। और नए साल के अवसर पर रेलवे म्यूजियम में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। नागरिकों और बच्चों ने रेलवे म्यूजियम के टॉय ट्रेन का उठाया लुत्फ। बच्चों ने कहा, बहुत ही अच्छा लगा रेलवे म्यूजियम में घूमकर। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।